से मिले कि ऐसा हो गया? घर के आदमी ना एक बगल के भाई का है, उनसे बताएं कि देखो ये तो नहीं, हम लोग पहचान रहे हैं किसके गांव का है, तो पहचाने तो आके बताएं कि तुम मेरे गांव का, तब इधर आके बताएं। हम लोग को पता चला, हम लोग गए, प्रधान नहीं जाने दिए, बोलो बोले हटो चलो रहने दो, पास में नहीं जाने दिए। प्रधान जी का क्या नाम है? तो क्यों आपको ऐसा क्या लगता है, मैंने जो खबर आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या किया नींबू के पेड़ पे, तो क्या ऐसा है मामला? मुझे ऐसी बात कोई नहीं है, और ना ही वो मुझसे नाराज थे, हम लोग थे ना ही वो आत्महत्या करे हैं। मुझे पता है ना, मैं सच बता रही हूँ, तो आत्महत्या नहीं करे। प्रधान बुलाए हैं? हाँ, प्रधान बुलाए भी आ रहा हूँ। एक घंटा हो गया, दो घंटा, चार घंटा शाम हो गई, तब मेरी सास गई, प्रधान घर पे नहीं थे। फिर उसके बाद सुबह रात भर हम लोग पढ़ पढ़ाए, खोजे कि कहाँ गए, फोन हर जगह पता लगाए, ना कुछ नहीं पता चला। फिर सुबह हुआ 10, पता चली, तब हम लोग गए तो पास में हम लोग को नहीं आने दिए। अच्छा, प्रधान का इन लोगों को मुझे भी नहीं पता। कौन सी ग्राम सभा के प्रधान है? अच्छा, ये काम क्या करते थे? हम लोग दिल्ली में रहते थे ना, तो 14 दिन हुए आए थे, वहाँ कैंटीन हॉस्पिटल में रहते थे, 16-17 दिन हुआ था वहाँ दिल्ली में, दुकान पर रहते थे हॉस्पिटल में, कैंटीन की दुकान। यहाँ आप लोग आए तो जांच करा क्या, क्या क्वारंटाइन थे क्या आप लोग? हम लोग जांच करा क्या है, सब जांच हुआ था। अच्छा, सब जांच हुआ है। यहाँ आप लोग कई दिन क्वारंटाइन के लिए आपको किसी प्राथमिक विद्यालय में रखा गया? प्रधान द्वारा कोई किट दी गई थी क्या? तो हम लोग को रिपोर्ट भी मिली है, राशन भी मिला था, हम लोग को रात भर रखे स्कूल में, छठियाँ भरी हैं स्कूल में, वहाँ रख के फिर बोले घर के पास रहना पर घर वाले से दूर रहना। हम लोग 13 दिन तो बाहर रहे, 14वें दिन बारिश होने लगी, हम लोग अंदर गए, कोई बीमारी रहती पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं बीमारी। तो यहाँ का प्रधान क्या बताए, यहाँ के प्रधान से आप लोग, यहाँ का जो प्रधान है आपके गांव के, आपको राशन दिए नहीं, आज नहीं, कोई पैसा दिए नहीं, कोई आपको स्कूल में कहीं रखवाए नहीं, कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है, कुछ नहीं, क्वारंटाइन कराएं या राशन दें पैसा दें, कुछ नहीं, कोई आंगनबाड़ी